हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा, मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत साहू। आज का हमारा विषय है एक कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला के केस को कितनी अच्छे तरीके से आसानी से ठीक किया जा सकता है, उसमें डायग्नोसिस का कितना अच्छा रोल रहता है। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि आज जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं एक लाइव केस स्टडी है। इस केस में क्या है, इसकी खासियत क्या है कि इसमें चार एक्सटर्नल ओपनिंग आपको बाहर से दिख रही है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आप देख रहे हैं पिक्चर में इसकी चार एक्सटर्नल ओपनिंग है, अलोंग विथ इसमें एक आपको एक एक्सटर्नल पाइल मास भी आपको दिख रहा होगा। अब हमने देखा कि हमारे जो केस है उसमें चार एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो क्या जरूरी है कि इसकी चारों एक्सटर्नल ओपनिंग की चार इंटरनल ओपनिंग भी होगी? तो ऐसे केस में कंफर्म डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए एमआरआई रिपोर्ट्स, क्योंकि एमआरआई रिपोर्ट्स के थ्रू हम ये क्लियर कर सकते हैं कि इसकी जो चारों एक्सटर्नल ओपनिंग है इसकी इंटरनल ओपनिंग सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है। जैसा कि आप एमआरआई रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, अ मल्टीपल स्मॉल क्यूटेनियस ओपनिंग आर सीन इन द राइट पेरिनल रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम 6 o'clock टू 9 o'clock, यानी जो यहाँ पे 6 o'clock से 9 o'clock तक ये पूरा फैला हुआ है। दे आर फॉर्मिंग अ कॉमन ट्रैक इन द राइट इश्यू एनल फोसा, दिस ट्रैक इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम थ्रू द राइट इश्यू एनल वर्टिकली अपवर्ड एंड मीडियली पियर्सिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फिंक्टर। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फिशुला का ट्रैक है वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए एनल कैनाल में ओपन हो रहा है 6 o'clock पर, और ये जो 6 o'clock पे इसकी इंटरनल ओपनिंग है वो एनल वर्ड से 2.7 centimeter अंदर है। तो जैसा कि आपने रिपोर्ट में देख रहे हैं कि ये इंप्रेशन आप देखिए तो कॉम्प्लेक्स ग्रेड 3 का फिशुला है। जैसा कि डियर फ्रेंड्स, ये केस जो है वो ग्रेड 3 का फिशुला है। हम जानते हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड 5 प्रकार के फिशुला होते हैं। तो आइए हम इस केस को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें चार एक्सटर्नल ओपनिंग है और इंटरनल ओपनिंग एक है। यहाँ पे देख रहे हैं राइट इश्यूर एनल फोसा में 1, 2, 3, 4 इसकी चार एक्सटर्नल ओपनिंग है और एक इसकी इंटरनल ओपनिंग है डेंटेट लाइन के थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि जो डेंटेट लाइन होती है वो एनल कैनाल में लगभग 2 centimeter पर होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फिशुला का इंटरनल ओपनिंग है वो 2.7 centimeter एनल कैनाल से थोड़ा सा डेंटेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर हम इसकी कंफर्म डायग्नोसिस ना बनाते, जैसे हमने अगर फिशुलोग्राम एक्सरे इसमें करा लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फिशुलोग्राम एक्सरे है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने डाई देखा कि डाई एक जगह कलेक्ट हो रही है। तो अगर हम इसमें इस केस में फिशुलोग्राम एक्सरे करा के इसकी कंफर्म डायग्नोसिस बनाते तो शायद हम इसको पूर्ण रूप से ठीक ना कर पाते, क्योंकि हमें चारों की इंटरनल ओपनिंग सेम है ये पता करना मुश्किल हो जाता। तो डियर फ्रेंड्स, इस केस को छाड़सूत्र द्वारा बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें आपको देखना है। सबसे पहले तो चार एक्सटर्नल ओपनिंग आपको दिख रही है और ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है इसको पियर्स करते हुए ये एनल कैनाल में ओपन हो रही है। तो ऐसे केस में जिसमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो जाए, ऐसे केस को ठीक करना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंज है, क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को अगर डैमेज कर दिया जाए, एक बार में कट कर दिया जाए, जैसे फिशुलोटॉमी में कर दें, तो ये मल को होल्ड करने की जो क्षमता होती है वो हम खो देंगे। डियर फ्रेंड्स, तो ऐसे केस में छाड़सूत्र बहुत ही आसानी से इसको पूर्ण रूप से ठीक कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, आप देखिए फर्स्ट डे अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट्स चार एक्सटर्नल ओपनिंग एक इंटरनल ओपनिंग, तो यह छाड़सूत्र इसमें लाइगेट किया गया। फिर उसके बाद आफ्टर 1 week छाड़सूत्र चेंज किया गया, फिर आफ्टर 1 week फिर से छाड़सूत्र लाइगेट किया, और इसी दौरान जो एक्सटर्नल हिमोराइड था वो भी वहां से लाइगेट करके हटा दिया गया। अब आप टाइम टू टाइम देखें, धीरे धीरे ये फिशुला का जो ट्रैक है वो छोटा होता जा रहा है और लास्ट में इस केस को बहुत ही आसानी से ठीक कर लिया गया। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फिशुला को ठीक करने में 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना हमेशा जरूरी होता है। एक तो फिशुला के ट्रैक के एक्सटर्नल ओपनिंग के कंपेरिजन में इंटरनल ओपनिंग कहाँ पर है, दूसरा फिशुला का जो ट्रैक है वो सीधा है, घुमावदार है, कि कोई एब्सेस के साथ इन्वॉल्वमेंट है, या इसका जो फिशुला का जो ट्रैक है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि लिवेटर नहीं मसल को क्रॉस करके रेक्टम में जाके ओपन हो रहा है।
तो ये देखना बहुत जरूरी है। और अगर कोई कैविटी है, कोई एब्सेस है, तो उसका साइज क्या है, कितने वॉल्यूम का है, ये देखना बहुत जरूरी है। और उसकी पोजीशन क्या है कि जो कैविटी है वो इंट्रास्फिंक्टरिक है, एक्सट्रास्फिंक्टरिक मतलब इंट्रास्फिंक्टरिक स्पेस में है, इश्योनल में है, इश्योरेक्टल फोसा में है, या लिविटेनाई मसल के ऊपर है, ये देखना बहुत ही जरूरी होता है। डियर फ्रेंड्स, एक चीज और हम लोग कहेंगे, हम इसमें छार सूत्र ही क्यों करना चाहिए? अगर हमारा जो फिशुला है वो ग्रेड थ्री का है तो छार सूत्र ही क्यों है? क्योंकि छार सूत्र जब इसमें लाइगेट करते हैं तो जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, वैसे तो ये 15% ही एनल टोन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर अगर डैमेज हो जाए तो मल को होल्ड करना संभव नहीं है। ऐसे केस में छार सूत लाइगेट करने से क्या फायदा होता है? छार सूत की एक फायदा ये होता है कि जो कटिंग और हीलिंग है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, साइमल्टेनियस है, तो धीरे धीरे कटता है और धीरे धीरे घाव बढ़ता है। तो जितने फाइबर कटते हैं एक बार में, उतने ही अगले फाइबर बनने भी लगते हैं। तो चाहे वो हाई एनल फिशुला हो जिसमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे ट्रांस इन्फिंक्टरी फिशुला, एक्स्ट्रा इन्फिंक्टरी फिशुला, सुप्रा इन्फिंक्टरी फिशुला के केस को भी बहुत ही आसानी से छार सूत्र भी द्वारा ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आप इस केस को देखे हैं कि छार सूत्र से बहुत ही ईजी वे में इसको ठीक किया गया है। और सबसे अच्छी बात थी कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, यानी जब प्रोसीजर के दौरान भी पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन जॉब कर रहा था, और वो भी बहुत कम पेन के साथ।